नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बिजनौर जिले से, जहां पर स्कूल की छुट्टी के बाद 12वीं के दो छात्रों को 5 युवकों ने जमकर पीटा है। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश और उनकी हरकत कैद हो गई, लेकिन अभी भी किसी की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पीड़ित छात्रों के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। घायल हुए छात्र 12वीं क्लास के छात्र हैं। पूरा मामला बिजनौर कोतवाली शहर के सेंट मैरी स्कूल का है। क्या हुआ आपके बेटे? मेरा बच्चा जो है सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता है, इंटर में, तो उसके एग्जाम चल रहे हैं। तो 5 तारीख में शाम 5 बजे पेपर देके जैसे वो गेट के बाहर आया, तो उसके दोस्त वगैरह भी आए, तो वरुण नाम के दोस्त को उसके बच्चे को मार रहे थे। तो वो 5-7 मिनट तो वहाँ 2-3 मिनट खड़ा रहा मेरा बच्चा, देखता रहा। फिर वो जब जाने के लिए आगे बढ़ा तो उन्होंने उसको भी मारा। उन्होंने कहा भाई इसको क्यों मार रहा है, बचाने के लिए। उन्होंने उस बच्चे को भी मारा, मेरे बच्चे को। जब मेरे बेटे को मारा उन्होंने, तो पंच वगैरह पहन रखे थे 3 लड़कों ने। वो पंच जो आँख के नीचे मारा, तो आँख के नीचे की 3-4 हड्डियाँ उसकी टूट गई। तो मेरा बच्चा जो है, मैं करण हॉस्पिटल ले गया, वहाँ उसे रेफर कर दिया। उन्होंने वहाँ भेजा, ये नहीं, फिर हम सरकारी अस्पताल लेकर मेडिकल कराया। वहाँ भी मना कर दिया, हमारा कुछ सुविधा नहीं है, आप इसे मेरठ ले जाओ। मेरठ हम जसवंत राय में ले गया, एडमिट कराया, बच्चे का ऑपरेशन हुआ, उसके प्लेटें वगैरह पड़ गया। अभी तक पुलिस ने तहरीर दिया पुलिस की? हाँ, यहाँ तहरीर अब दे दी है। पहले तो हम जान बचाने में लगे रहे बच्चे की। मानने वाले लोगों को हमें पता नहीं, मगर जिन्होंने बाइक का नंबर हमें मिल गया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।